हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो प्रसंग है ये काफ़ी उच्च स्तर का, और आज हम विशेष एक धाम के प्रकट होने का प्रसंग देखेंगे। आइए समस्त वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए और अपने श्रील प्रभुपाद जी की कृपा याचना करते हुए आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज जो है श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद अध्याय चैप्टर नंबर 36। कल जब जुगल गीत की बात चल रही थी कि गोपियों ने जब किस प्रकार से भगवान के विरह में, जब भगवान गोचारण के लिए निकल जाते थे गोवर्धन वनों में, तो व्रज में कैसे गोपियां के मन और प्राण भी भगवान के साथ चले जाते हैं, और किस प्रकार से हर एक गोपी अपने भगवान प्रियतम को कैसे स्मरण करती है, माँ यशोदा कैसे कृष्ण का इंतजार करती है, उसको बतलाने के बाद सुखदेव गोस्वामी आज उसी लीला को आगे कहते हुए कहते, अथ तरही आगता गोष्ठम, कि हर दिन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन गोपियां भगवान के विरह में ये गीत गाती थी, हर दिन गाती थी। तो एक दिन की बात है, इसी प्रकार से गीत गा रही होती हैं, तो उसी समय संध्या के समय गोकुल में एंट्री तो नहीं किए थे भगवान भी, और एक वृषभासुर यानी बैल, वृषभ मतलब बैल, जो कि असुर था, उसका नाम था अरिष्टा, असुर था इसलिए अरिष्टासुर, वो जीव गोस्वामी कहते कि अभी व्रज में एंट्री नहीं हुआ था उसका, यानी व्रज से दूर ही था वो अरिष्टासुर, वहां पे प्रकट होता है और कहते हैं कि ककुता जो उसका हम्प, जो अरिष्टासुर जो असुर था बैल के रूप में, उसका जो बैल का जो हम्प होता है, कूबड़ जिसको हिंदी में कहते हैं, बहुत ही महान होता है, ऊंचा होता है। अरिष्टासुर कैसे एंट्री करता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इस अरिष्टासुर जब वो रंभाता था, जैसे गाय रंभाती हैं, उसके रंभाने की आवाज इतनी कर्कश थी, जैसे किसी किसी की आवाज इतनी कर्कश होती है। महाभारत में वर्णन आता है एक जगह कि ये युधिष्ठिर के जो भाई भीम एक बार आवाज की रियाज करने के लिए बैठे होते, तो युधिष्ठिर कहते कि ऐसा करो कि तुम कहीं पहाड़ पे जाकर के रियाज करो, अच्छा होगा, शांति रहेगा और अच्छे से रियाज कर लोगे। भीम चले जाते हैं और वहां से आवाज आती है, तो
कोई एक व्यक्ति वहां पे पहुंचता है, तो भीम कहते हैं आपको मेरी आवाज इतनी पसंद आई कि आप मेरे पास आ गए। कहे नहीं, मैं तो अपने गधे को ढूंढ रहा था, आपकी आवाज सुन करके मुझे लगा मेरा गधा इधर है क्या। तो वैसे ही कर्कश आवाज, इतना कर्कश आवाज था ये अरिष्टा का, कि इसकी आवाज से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की स्त्रियां और जो गाय थी, जो गर्भवती थी, उनके गर्भपात हो जाते थे। और इसके जो कुबड़ था वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि बादलों को लगता था कि अरे ये कहीं पहाड़ है, और वो वहां पे बादल जैसे पहाड़ पे इकट्ठे होते हैं वैसे वो इकट्ठे होने लगते हैं। इस प्रकार का ऐसा इसका बलवान बलिष्ठ था। और कैसे कर रहा था, इसका वृत्ति देखिए, कम से नहीं भेजा था मारने के लिए, तो पैर से जैसे नहीं गाय खुर करती है, अपने खुर से धरती को खरोच रही होती है, इतना ही नहीं सिंह, ये अरिष्टासुर अपने सिंहों से बांधों को तोड़ रहा था। उसको खुजली था कि किसी को मारना है, सभी गायों के पीछे फिर दौड़ने लग जाता है। जब गाय देखती हैं अरे बाप रे बाप, बैल उनके पीछे दौड़ रहा, शाम का समय है, सभी तो सोच रही होती है कि चलेंगे वृंदावन में वापस, तो सब इधर उधर भागने लगती हैं। और भागते भागते गोविंद, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोविंद कहने का अर्थ इसलिए क्योंकि भगवान जो कि ब्रज के अब इंद्र हैं, स्वामी हैं, राजा हैं, तो कहने का अर्थ है कि सारे ये जो गाय होती है भय के मारे, सिर्फ गाय नहीं भैंस जितने भी पशु थे सब भागते हुए कृष्णा कृष्णा ऐसे कह करके वो गोविंद के पास जाती है। और भगवान जैसे ही उनको देखते हैं तो किसी के ऊपर हाथ फेरते हैं और इस तरीके से कहते कि घबराओ नहीं। और भगवान देख लेते हैं अरिष्टासुर को, और अरिष्टासुर की आंखें वर्णन करते हैं इतनी भयावह थी, लाल थी, तांबे के जैसी लाल आंखें, और उसके मुख से ऐसा स्मेल आ रहा होता है बदबू। तो भगवान सोचते कि उसके पास जाने से अच्छा है कि उसको ललकारते। भगवान कहते आजा इस तरीके से, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि ब्रज में जाकर के कहीं हो सकता है इधर उधर पटकेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे तो ब्रज को नुकसान हो, तो एंट्री कर रहे थे गोवर्धन से ही। जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान उस दिन नित्य के लिए जा रहे होते, तो वापस अभी आ रहे होते, और कह कर गए होते सखियों से कि मैं आता हूं, तो गोवर्धन से वापस आ रहे होते, और ये अरिष्टासुर भी देख लेता। भगवान कहते हैं आजा, ललकारते ऐसे कृष्णा उसको, अरिष्टासुर को। तो जब इस प्रकार से भगवान उसको ललकारते हैं तो यहां पे बोलते हैं भगवान के साथ कौन है, गोपाले पशुर भीमंदा, 7वां श्लोक है भागवत का। सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि गोपाल यानी ग्वालबाल भी हैं और पशु भी हैं, क्योंकि भगवान ग्वालबाल के साथ वापस आ रहे होते हैं। और भगवान कहते हैं कि तुझ जैसा दुष्टों का, कह रहे त्वत विधानाम, तुम्हारे जैसे दुष्टों, पहले तो कह रहे मंद हो तुम, मूर्ख हो, अरे मूर्ख हे दुष्ट। तो मान लीजिए वो कहेगा मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो, कह रहे कि पशुओं को मारने का तुम डरा रहे हो इसलिए तुम मूर्ख हो। आगे कह रहे हैं कि तुम जैसे लोगों को मारने के लिए ही मैंने प्रकट हुआ हूं, इसलिए कह रहे तद विधि नाम मैं आया हूं। और क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वो अशिष्टासुर कहे अरे मैं बैल हूं और तुम तो गोपालन करता हो, फिर मुझे क्यों मारोगे, इसलिए भगवान कह रहे असत्तमा, तुम बैल नहीं हो, तुम असुर हो, बैल के रूप में असुर हो। और शास्त्र कहता है कि अगर कोई साधु का भी वेश बन करके असुर, अगर कोई असुर दुष्ट व्यक्ति साधु का भी वेश बना करके आए, जैसे कोई टेररिस्ट सिंपल सा पुलिसमैन बन करके आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुलिस वाला हो गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम असत्तमा हो, सबसे निंदनीय कार्य कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम गायों को डरा रहे हो, मार रहे हो। जब इस प्रकार से भगवान बोलते हैं और ये सुन करके भगवान क्या करते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपनी हथेलिया को ऐसे
आ जाओ और ऐसे भुजा दिखाते भगवान। और यहाँ पे इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान के भुजा को देख करके कहते हैं कि भगवान के हाथ इतने मोटे, और जैसे नहीं आदमी फुलाता है तो बाइसेप्स बन जाता है, तो वैसे भगवान के जो बाइसेप्स बन रहे होते हैं वो जैसे लग रहा होता है कि कोई सर पे जैसे कुंडली मार के बैठता है ना क्वाइल, तो वैसे क्वाइल भगवान के इतने मजबूत हाथ थे। और भगवान ऐसे पीट करके जोर से पीटते हैं, इतने जोर से पीटते कि अरिष्टासुर को आवाज सुनाई देता है जो दूर होता है। और फिर जीव गोस्वामी कहते हैं श्रीदाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सुबल कोई भी हो गोप, एक दूसरे गोप ऐसे पीटने के बाद हाथ ऐसे रख देते, कहते आजा, ललकारते हैं भगवान अरिष्टासुर को। अब इसको जब वो आवाज सुना ललकार की, इसका हो गया मूड खराब अरिष्टासुर का। और वो जैसे नहीं आदमी दौड़ता है ऐसे, तो उस प्रकार से अपने खुरों से जमीन पृथ्वी के मिट्टी को निकालते हुए ऐसे लंबी सांस लेते हुए अरिष्टासुर क्या किया, क्रोध से कृष्ण के ऊपर झपटा और पूछ, अपना पूछ भी ऊपर किया था। कौन? अरिष्टासुर। सोचिए उसके पूछ से वो पहले बादल को हटा रहा होता है, जैसे अपना पूछ ऊपर करके बादल को हटो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। और वो इस प्रकार से जैसे नहीं हम लोग कई बार कहते अरे हटो इधर से हटो हटो, तो उसी तरीके से वो बादलों को हटाते हुए खूंखारते हुए सिंह को आगे करते हुए, दोनों सिंह को आगे करते हुए रक्त भरी आंखों मतलब क्रोध से अरिष्टासुर ऐसे झपटा जैसे इंद्र ने वज्र को फेंका हो, वैसे वो झपटते हुए एकदम कहारते हुए भगवान को सिंह आगे करते हुए दौड़ पड़ा। अब भगवान इसी प्रकार से हाथ रखे होते फिर कहते हटो सुबल जरा, और फिर भगवान उतना स्पीड से आ रहा होता है। और भगवान इसीलिए यहाँ पे शब्द देखिए भगवान के बारे में बोल रहे हैं दसवें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, अच्युतम हिले तक नहीं भगवान। श्रीदाम को कहे सुबल को जो भी कि हट जाते थोड़ा सा, और वहीं पे खड़े रहे और पूरी रफ्तार से जैसे गाड़ी होती है ना पूरी रफ्तार से दोनों सिंह को आगे करते हुए, जब अरिष्टासुर आया कहारते हुए भगवान ने उसको कुछ नहीं किया, बस सीधे सिंह आगे था सिंह को पकड़ा, ऐसे दोनों सिंहों को पकड़ लिया जैसे गाड़ी को रोक देना तुरंत ब्रेक लगा देना, वैसे अरिष्टासुर अचानक से रुक गया। भगवान ने उसको सिंह जैसे नहीं स्टेयरिंग घुमाते हैं तो वैसे अरिष्टासुर को पलट दिया से, ऐसा कुछ किया नहीं बस उठा करके ऐसे पैर कहते हैं यहाँ पे इसीलिए पैर फंसा करके, आगे वाला पैर फंसा करके जैसे किसी को गिराना होता है लंगड़ी लगा करके, वैसे लंगड़ी लगा करके अरिष्टासुर को गिराते हैं। और फिर क्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे हाथी से हाथी लड़ता है वैसे कंपैरिजन किया है कृष्ण को, और कह रहे हैं कि 18 पग भगवान ने उसको पटका और ऐसे उठा करके उसके सिंह को उठा करके ऐसे पहले ढकेल दिया पीछे फेंक दिया। यहाँ पे श्लोक आ रहा है कि प्रत्यपोहा भगवान गज प्रति गजम यथा अष्टादश पदानि स, 18 पग मतलब कि 18 पद जो है, अब ये पद किसके हैं भगवान के या अरिष्टासुर के, 18 पग पीछे फेंक दिया अरिष्टासुर को। जब वो फेंका गया अरिष्टासुर फिर उठा और उठ करके इस बार और तेजी से आया और सोचा कि अब तो मारूंगा इस बार, और पूरा शरीर से पसीना निकल रहा होता है फिर भी क्रोध के कारण वो क्या किया फिर से आक्रमण कर दिया कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण ने उसके इस बार फिर से सिंह को पकड़ लिया, और क्या किया भगवान ने यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जैसे गीले वस्त्रों को आपने कभी अगर देखा होगा कि गंगा के जैसे या तट पे नदी के तट पे जैसे गीले वस्त्र होते ना ऐसे पटकते हैं धोबी, वैसे भगवान ने उसके सिंह को पकड़ के ऐसे पटक रहे होते हैं, कैसे जैसे वस्त्र को पटका जाता है। और फिर भगवान ने
बाया जो यानी बाएं जो उसका सिंह होता है उसको उखाड़ करके उसी सिंह से मारते रहते हैं, मार मार के उसके मुख से खून की उल्टी हो जाती है, आंखें बाहर ऐसे नाचने लगते हैं, पैर पटकने लगता है और उसकी उसी समय प्राण निकल जाते हैं। ये देख करके कि अरिष्टासुर मर गया, जो सारे देवता, क्योंकि हमेशा देवता को भय लगा रहता था लीला के वश कि कहीं भगवान हार गए, तो इसीलिए बादलों के पीछे देख करके ऐसे मैच का आनंद ले रहे होते हैं, और जब भगवान जीत जाते हैं तो वो पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब यहाँ पे अरिष्टासुर के मौत के बाद हमारे आचार्य कहते हैं कि 15वें श्लोक में भगवान, देखिए भगवान का रूप बड़ा मनोहर है। भगवान को कहा जाता है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, कि भगवान वज्र के समान कठोर थे अरिष्टासुर के लिए, लेकिन उसी भगवान को जब ब्रज की गोपियों ने देखा तो ऐसे देखते हैं कि जैसे साक्षात भगवान कामदेव है। और बलराम को भी लेकर के, बलराम को भी कि बलराम का आनंद बढ़ाने के लिए अब कृष्ण बलराम यहां से वापस आ जाते हैं ब्रज में। यहाँ पे हमारे जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जितने गौड़ीय वैष्णव हैं अब कुछ उल्लेख करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी तो वर्णन नहीं कर पाए करते हैं क्योंकि समय की कमी के कारण आचार्य कहते हैं, लेकिन वराह पुराण इत्यादि पुराणों से आचार्य हमारे कहते हैं कि भगवान उस दिन फिर से रास लीला के लिए गोवर्धन में रास लीला के लिए गए होते हैं। तो अब जो संवाद है ये है श्रीमती राधिका और कृष्ण के बीच में। तो होता क्या है, कृष्ण ने मार दिया अरिष्टासुर को। अरिष्टासुर को मारने के बाद कृष्ण गए राधिका और गोपियों के पास कि चलो नृत्य करते हैं। राधा रानी ने कह दिया कि मैं नहीं नृत्य करूंगी। कृष्णा ने कहा क्यों, तो राधिका कहती है कि तुमने एक बैल को मारा है, अरे तुम गोप हो, तुम कसाई नहीं हो कि तुम जो बैल को मार रहे हो। तो कृष्णा कहते अरे वो बैल नहीं था, वो असुर था। अरे मूर्ख लड़की, वो असुर था। राधा रानी कहती है कि मुझे नहीं पता वो असुर था या सुर था, पर वो बैल था, मैंने जो देखा वो मैं कह रही हूं। तो कृष्णा को लगता है अरे ये तो पूरा मूड खराब हो गया, मैं तो आया था, जैसे मान लीजिए आप आए अचानक से कि चलो आज कुछ गुलाब जामुन या किसी प्रकार का जूस मिलेगा और जूस नहीं मिलता है, जा करके खत्म हो जाता है, या कहते हैं कि जूस में कुछ पड़ गया, मक्खी पड़ गई, मच्छर पड़ गया, तो बड़ा इरिटेशन होता है, मूड खराब हो गया। तो वैसे कृष्णा कहते तो फिर करूँ क्या मैं, तो राधा रानी कहती है कि तुमको पहले पाप धोना पड़ेगा। तो कृष्णा कहते कौन सा पाप, कैसे धोऊंगा मैं, कहते पूरे जितने भी तीर्थ स्थान में जा करके भ्रमण करो, सब जगह नदियों में स्नान करो, तब जा करके तुम्हारे पाप धुलेंगे, फिर हम आपके साथ संग करेंगे। कृष्णा कहते इतना टाइम कहाँ है किसके पास, अरे लोग एक एक मिनट का वो देखते हैं वीडियो, अभी इतना मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, पता नहीं कितना समय बीत जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, उन्होंने मन से विचार किया और सारे के सारे जो तीर्थ स्थान होते हैं, जितनी भी तीर्थ स्थानों में तीर्थ नदियां, साक्षात उनकी देवियां प्रकट हो गई, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी ताप्ती कृष्णा, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियां मान सब प्रकट हो गई वहां पे। और भगवान ने फिर बोला कि देखो अब वो प्रकट हो गई हैं, और राधा रानी को विश्वास नहीं होता, कहती कहाँ प्रकट हो गई हैं। तब वो सबको भगवान इशारे से कहते हैं, तो एक एक करके आती हैं देवियां और कहती हैं मैं गंगा हूं, मैं यमुना हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं गोदावरी हूं, मैं ताप्ती हूं, कोई समुद्र, सब समुद्र इत्यादि सारे प्रयाग सब आए थे। और फिर भगवान ने एक अपने पैर से जो होता ना
कभी बचपन में आपने देखा होगा मिट्टी को खाली करके ऐसे पैर के एड़ी से बनाते हैं, तो भगवान ने पैर से वहां पे एक गड्ढा बनाया और सारी की सारी नदियों ने उसमें पानी डाला। और जब वो नदी का पानी जो था, सारी तीर्थ स्थानों का पानी जल उसमें भरा, तब कृष्णा उसमें स्नान करते हैं और कहते हैं, देखो मैं तो इतना पवित्र हो गया कि मैंने पूरा सारे ब्रह्मांड के तीर्थ स्थानों को बुला करके इसमें जल डाल दिया, इसलिए मैं तो इतना पवित्र हो गया, तुम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगता है, कहते हम भी कुछ करेंगे। तो अरिष्टासुर ने जहां खुर किया था, अपने पैर खुर से मिट्टी हटाया था, वहां पे राधा रानी कहती कि हम भी जल भरेंगे। और राधा रानी ढाई घंटा, जीव गोस्वामी कहते हैं ढाई घंटा तक मेहनत करने के बाद फिर वो कहती कि अब हम तो, कृष्णा कहते मेरा जल ले ले लो। राधा रानी कहते हम तुम्हारा जल नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि तुम उसमें नहाए हो और तुम्हारे नहाने के कारण से तुम्हारा उसमें पाप धुला है, हम वो जल नहीं लेंगे, हम स्वच्छ जल लेंगे। और इसलिए कहती कि ललिता और सारी सखियों को कहती कि मानसी गंगा, आप जानेंगे गोवर्धन के पास, तो उत्तर दिशा में मानसी गंगा के उत्तर दिशा में राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो कहती कि जाओ मानसी गंगा से पानी लेकर के आओ, कृष्ण अपनी सखियों को कहती हैं। ललिता और सारी सखियां जाती हैं, भगवान कहते इतना देर में तो पूरा मूड खराब हो जाएगा, तो इसलिए भगवान सारी देवियों को कहते हैं और सारी देवियां कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, कहती हैं अरे राधिके, आपके जो कृपा है, आपकी कृपा तो ब्रह्मा विष्णु भी शिव तक मांगते हैं, अरे दुनिया में कोई नहीं जानता। इसीलिए एक शिव जी ने राधिका कटाक्ष स्तोत्र लिखा है, राधिका कृपा कटाक्ष, तो उसमें वर्णन आता है, श्लोक ऐसे हैं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सूरेश्वरी त्रिदेव भारतीश्वरी प्रमाण शास्त्रेश्वरी रामेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपते श्री राधिके नमस्तुते। भगवान शिव ने बोलते हैं कि सारी जो विद्याओं की ईश्वरी, वैदिक कार्यों की ईश्वरी, सभी क्रियाओं की ईश्वरी, वनों के सुख की ईश्वरी, लक्ष्मी की ईश्वरी, सभी की व्रज की सुंदरियों की ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधिका, उनके चरणों में मना पड़ना। तो जब सारी की सारी जो नदियां के इस कृपा करने, मतलब कि उनसे याचना करती हैं राधिका से, तो राधा रानी मान जाती हैं और सारी नदियां फिर क्या करती हैं, वहां पे जल उस में जहां पे वो अरिष्टासुर का खुर बना होता है, उस जल वहां पे जल डालती हैं और वो बन जाता है राधा कुंड। और कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए कृष्णा कहते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे हे राधिके, मैं आपके साथ नित्य विहार इस राधा कुंड में करूंगा। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु, हम गौड़ीय वैष्णव के लिए प्रमुख श्री चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जो महाप्रभु ने ये राधा कुंड और श्याम कुंड को खोजा आज से 500 वर्ष पहले, तो कहते हैं श्री चैतन्य चैतामृत में पद्म पुराण से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडनम प्रियम तथा सर्व गोपी सुसेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जैसे राधिका सबसे प्रिय भगवान विष्णु को, कृष्ण को, वैसे उनका कुंड भी सबसे प्रिय है। और यहाँ तक कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि से कुंड एक बार कृष्णाना त
तारे राधा समा प्रेम कृष्ण करे दाना। एक बार भी अगर कोई राधा कुंड में स्नान करता है उसको भगवान श्रीमती राधिका के जैसा प्रेम दे देते हैं, स्वयं राधा का प्रेम दे देते हैं। जैसे श्रीमती राधिका कृष्ण को प्रेम करती हैं वैसे। और क्या कहते हैं, कुंडे रमाधुरी ये न राधा रमाधुरी माँ, कुंडे रमहिमा ये न राधा रमहिमा। अरे राधिका की महिमा जैसे ग्लोरियस है वैसे राधा कुंड ग्लोरियस है। इसलिए जब महाप्रभु पहुंचते हैं और वो श्याम कुंड राधा कुंड के जो उस समय छोटी सी शिला के रूप में होती है उसको देख करके महाप्रभु क्या करते हैं, ए मत्त स्तुति करे प्रेमाविष्ट हैया तेरे नित्य करे कुंडे लीला समणिया। कि महाप्रभु वहां पे नृत्य करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं और प्रेम के आवेश में होकर के कृष्णा कृष्णा बोलने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, रूप गोस्वामी हमारे आचार्य उपदेशामित के नौवें अपने श्लोक में लिखते हैं कि सबसे प्रिय इस भौतिक जगत में भगवान को मथुरा नगरी है, क्योंकि भगवान वहां पे प्रकट हुए। मथुरा से भी सबसे प्रिय है गोवर्धन, क्योंकि भगवान वहां पे लीलाएं करते हैं। गोवर्धन में भी सबसे प्रिय है भगवान को राधा कुंड। यह है राधा कुंड की महिमा। इसीलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, राधा कुंड तट कुंज कुटी, राधा कुंड तट कुंज कुटी, गोवर्धन पर्वत यमुना तीरे, गोवर्धन पर्वत यमुना तीरे, राधा कुंड तट कुंज कुटी, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा, कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा, राधा कुंड तट कुंज कुटी। कि ये राधा कुंड इतना मनोहर है, भगवान वहां पे हमेशा नित्य उनकी राधा कुंड में लीलाएं चलती रहती हैं, उनकी विशेष कर जो विलास लीला है माधुर्य लीला गोपियों के साथ। तो ये राधा कुंड का प्राकट स्थान है, जो प्राकट है ऐसा कहते हैं। वैसे तो हम लोग कार्तिक महीने में अरिष्टासुर का जो बहुलासुर बहुला वन के दिन हम मनाते हैं, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि क्योंकि गोवर्धन में रास लीला स्प्रिंग यानी इस समय हुआ था अप्रैल में, तो इसलिए राधा कुंड अप्रैल के समय में प्रकट हुआ था। जहर जो भी है, तो यहाँ पे जब अरिष्टासुर को मारने के बाद भगवान जब मार लिए तो नारद मुनि, अभी नारद मुनि जैसे इसीलिए बड़ा विचित्र है, तीन लोगों के कार्य को दुनिया में कोई नहीं समझ पाता, एक नारद मुनि, एक भगवान शिव, तीसरा बलराम जी। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए, इतने महान जो कृष्ण के प्रेमी होते हैं उनकी क्रिया मुद्रा समझ ही में नहीं आता है। नारद मुनि ने देखा अरिष्टासुर मर गया, गए न्यूज देने किसको, कंस को। अब आप कहेंगे अरे कंस को न्यूज, अब देखिए बोल भी क्या रहे। वहां पे पहुंचते हैं नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये नारद मुनि जब पहुंचते हैं और नारद मुनि कंस को पहले कहते हैं, अरे मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख होगा मुझे पता नहीं तुम। नारद कृष्ण कंस ने कहा, अरे मूर्ख कैसे मैं, अरे यशोदा का पुत्र नहीं है वो नंद का पुत्र नहीं है, वो वसुदेव देवकी का पुत्र है। कौन,
जो आपके सारे असुरों को मार रहा है कृष्णा। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो रोहिणी का भी पुत्र है ना, नंद के रूप में जो पुत्र दिख रहा है वो भी रोहिणी का नहीं है, देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हुआ। मान लीजिए कंस पूछे तो वो, मैंने तो सुना है कि आठवां पुत्र तो बेटी हुई थी, अरे वो यशोदा की बेटी थी, तो फिर ये इंटरचेंज कैसे हुआ? स्वमित्रम कौन? आपका वसुदेव, नंद का मित्र वसुदेव ने ये सब हेरा फेरी किया है। इधर इसको गुस्सा आ गया, कंस को कहा, वसुदेव इतना बड़ा झूठा कहता है कि सत्यवादी हूं मैं। कंस निकाल करके तलवार लेकर के मारने जा रहा होता है, इंद्रिया काबू में नहीं, क्रोध में आकर के नंद नाद मुनि ने कहा, अरे उसको मारने से क्या फायदा होगा, उसको मारोगे वो दोनों भाग जाएंगे, उसी दोनों में से कोई एक मारने वाला है तुमको, मैं बता रहा हूं, और अगर तुम मारोगे वसुदेव को यहाँ पे, वो दोनों भाग जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कह रहे हैं नारद मुनि कि देखो, याद करो भविष्यवाणी क्या कही थी, कि देवकी का गर्व तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, वसुदेव नहीं है, इसलिए उसको छोड़ो, इन दोनों को लाने का प्रयास करो। कहाँ? यहाँ मथुरा में, क्योंकि अपने घर में सभी शेर होते हैं, कुत्ता भी शेर हो जाता है अपने इलाके में, तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं उसको यहाँ पे बुला कर मारो, और कहते हैं कि ये वसुदेव और देवकी को कारावास में डाल दो। कंस पूछता है क्यों? अरे मान लो जा करके तुमने बुलाया, उधर वो नंद को बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे योजना कर रहा है कंस, तो हाँ ये बात तो सही बोला आपने। अभी ये चीज सोच करके लोगों को अक्सर लगता है कि नारद मुनि ये क्या करते रहते हैं, एक्चुअली में हमारे आचार्य, इसीलिए नारद मुनि इन लोग के कार्यों को समझने के लिए आचार्य की सही में बहुत बिविल्डर हो जाता है, जब हम भी पहली बार पढ़े हम भी कहें नारद मुनि क्या कर रहे हैं। आचार्य हमारे कहते हैं नारद मुनि चाहते थे कि वसुदेव, और वास्तव में क्योंकि अगर नारद मुनि के कार्य उनके लिए अपराध होता, तो जब नारद मुनि पहुंचते हैं वसुदेव के घर, तो वसुदेव कहते हैं आपकी वजह से हम मुक्त हो गए, आपकी वजह से कंस मर गया, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि भगवान व्रज में जो आए हैं सिर्फ व्रज की लीला करने नहीं आए, क्योंकि वो देवर्षि हैं और वो देवताओं को देख रहे कि वो सब परेशान हैं, और वो देख रहे कि यदुकुल परेशान है, तो इसलिए उन्होंने कंस को मारवाने का जल्दी योजना करने लगे। और क्यों वसुदेव और देवकी को बंदी बनाया? क्योंकि हो सकता था भगवान, अभी क्या है ना, माता पिता बंदी है तो भगवान भी थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे, नहीं तो भगवान भी कहेंगे ठीक है अभी थोड़ा सा और ब्रज में लीला कर लेते हैं, तो इसीलिए नारद मुनि चाहते थे जल्दी से कंस का मृत्यु हो, इसलिए उन्होंने वसुदेव और देवकी को बंदी बनवाने के लिए कहा। और ये बोल करके नारद मुनि नारायण नारायण करके निकल गए, उनका तो काम हो गया। ये बेवकूफ को लग रहा था कि अरे नारद मुनि तो मेरे मित्र हैं, तो नारद मुनि जैसे वैष्णव वो सिर्फ सिर्फ भला सोचते हैं, किस प्रकार से भगवान और साधुओं का भला हो। और कहते हैं नारद मुनि कि जब नारद मुनि चले गए तो फिर कंस ने भी किसी को बुलाया, क्योंकि उसको लगा कि कहीं मैं नारद मुनि के पास बुलाता तो नारद मुनि शायद मना कर देते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कंस ने भेजा किसी को कि जाओ केसी को बुला करके लाओ और कहो कि कृष्ण और बलराम को मारना है। इधर नारद मुनि ने जो बोला, कंस ने अपने सारे मंत्री चाणूर मुष्टिक सल तोसल सबको बुला लिया और कहने लगा कि सुनो, नारद मुनि आ जाए थे और बोल के गए हैं कि वही दोनों में से कोई मुझे मारने वाला है, एक काम करो। कहते हैं चारू मुष्टिक को, रंग मंच तैयार करो, उसमें हम अखाड़ा करवाएंगे, युद्ध कराएंगे, रेसलिंग मैच, और सभी लोगों को बोल दो कि रेसलिंग मैच है चतुर्दशी शिवरात्रि के दिन, भगवान शिव का धनुष यज्ञ होगा और कुश्ती होगा, और सभी को बुला लो सभी को, और सुनो जा करके और सारे यदु वंश को भी बोल देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई छूटे, मैं देखना चाहता हूँ सबको, और रंग मंच तैयार करो, इस बहाने सभी आएंगे, फेस्टिवल भी रहेगा। और क्या कहता है कि
अपने महा वो जो महावत होता है कहता है कि तुम गेट पे मथुरा के गेट पे कुवल्य पीड़ करके एक हाथी होता है उसको खड़ा कर दो। एक्चुअली मैं कंस से मान लीजिए चारों मुष्टि कहीं उसकी क्या जरूरत है, अरे मैं चाहता हूं कि वो कुवल्य पीड़ से लड़के थक करके जब आएगा अंदर तब तुम आराम से इसको कुचल करके मारना। पर हमारे आचार्य कहते हैं कंस अंदर ही अंदर डर रहा होता है, अरे पता चला ये लोग मर गए, ये लोग लड़ नहीं पाए अच्छे से, इसलिए उसको पहले ही थोड़ा सा मतलब उसका एनर्जी डाउन कराने के लिए। फिर क्या कहता है कि धनुष यज्ञ, अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं धनुष यज्ञ भी करेंगे, महादेव को शिव को क्या देंगे बलि भी देंगे चढ़ाएंगे, किसी जो गोट बकरे का बलि काट करके शिव को चढ़ाएंगे, यानी सुपर नेचुरल पावर से भी हम कुछ करेंगे। और क्या कहता है कि जब ये सब चले गए तो कंस ने फिर अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी को बुलाने के बाद देखिए बहुत ही कला में अर्थशास्त्र में बहुत एक्सपर्ट था पर धर्मशास्त्र में एक्सपर्ट नहीं था। हाथ पकड़ के अक्रूर जी का हाथ पकड़ के, और अक्रूर जी कैसे हैं इस प्रकार से हाथ पकड़ के उनको लेकर के चलने लग गया। और अक्रूर जी भी समझते थे, देखिए इसीलिए राजनीति बहुत ही ऐसा चीज है ना, राजतंत्र जो कि महाभारत में हमने वर्णन किया कई बार। अक्रूर जी भी को सादर समुचित करते हुए कहता है कि आपका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं कंस, और कह रहा है कि जिस प्रकार से मैं आपको क्यों बुलाया, मान लीजिए अक्रूर जी पूछे आपने मुझे क्यों बुलाया राजन, मुझे कार्य करना है करवाना है। अक्रूर जी कहे वो तो आप खुद ही कर सकते हो, कहते हाँ मैं कर सकता हूं लेकिन आपका सहयोग चाहिए। जैसे इंद्र भी कोई कार्य कर सकता पर फिर भी वो लेता है सहयोग विष्णु का। अब आप कहेंगे विष्णु का सहयोग इंद्र इसलिए लेता है क्योंकि वो कर सकता है। एक्चुअली में हमारे आचार्य कहते हैं इतना बड़ा द्वेषी था ना इंद्र को भगवान दिखा रहा है और विष्णु को उसका सहायक कंस विष्णु के प्रति इतना द्वेष था, इसलिए वो कहता है कि आप कृपया करके नंदग्राम जाइए, वहां पे जा करके अनक दुंदुबी वसुदेव के दो पुत्र हैं। वसुदेव के दो पुत्र, हाँ नारद मुनि ने बताया मुझे सब, वो वसुदेव इतना चालू है उसको तो मैं अभी बताता हूं। और उसके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम, नाम नहीं लिया कृष्ण बलराम नहीं, राम माधव। क्यों? क्योंकि राम माधव कह करके हमारे आचार्य कहते हैं कि वो दोनों जो माधव राम यानी मथुरा मधु कुल के, राम जो आनंद देने वाले यानी जो इस कुल के हैं, वो वहां पे गए हुए हैं। देखिए कितने बड़े कपटी हैं दोनों, इस प्रकार से निंदा करने के लिए उनका नाम नहीं ले रहा है, या हमारे आचार्य कहते हैं भय के कारण नाम नहीं ले रहा है, और कह रहा है कि उन दोनों को बुला करके लाइए। और क्या करना है उन दोनों को, क्योंकि नारद मुनि ने कहा है उन दोनों में से कोई एक मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं नंद इत्यादि को भी लाइए, नहीं तो कोई सोचेगा कि दोनों बालक को क्यों लेके आ रहे हैं। सबको लेके आई और कहिए धनुष यज्ञ है इसलिए घी मक्खन जितना है ना गाय का सब लेकर के आइए, यज्ञ में यूज करेंगे। तो कहिए कि यज्ञ देखने के बहाने से वो बच्चे आ जाएंगे, फेस्टिवल है ना शिवरात्रि का फेस्टिवल है, सब आएंगे देखने के लिए, बुला करके लाओ। पर अक्रूर जी कहते हैं आप फेस्टिवल के लिए बुला रहे, अंदर की बात मैं आपको बताता हूं, मैं दोनों को मरवाना चाहता हूं, दोनों को मारूंगा, और इसलिए मैं सभी ये सिर्फ उन्हीं दोनों को नहीं मारूंगा जितने भी वृष्णि वंश के हैं सभी को मारूंगा। क्योंकि मान लीजिए अक्रूर जी कहे फिर आपको ऊपर तो आक्रमण कर सकते, मैं उसके बाद वसुदेव को मारूंगा, इतना ही नहीं अपने पिता उग्रसेन को भी मार दूंगा, जो भी आएगा सबको मार दूंगा। अक्रूर जी को कहते तुम्हारा क्या फायदा होगा ना, मैं भी तुमको अपना राज्य दे दूंगा आधा, और पूरा भूमंडल का मैं राजा बन जाऊंगा। मान लिया अक्रूर जी कहे अरे पर जरासंध है, अरे जरासंध तो मेरे ससुर हैं उनसे क्या डर, और मेरे मित्र हैं नरकासुर दृढ़ गोरिल्ला इत्यादि का नाम लेता है, और कहता है कि जो जो भी देवताओं का पक्ष लेंगे पांडव इत्यादि सबको मारेंगे हम। इस प्रकार से कहता है कि आप तुरंत जाइए
और उनको बुला करके धनुष यज्ञ के बहाने ले आई है और ये द्वंद क्रीड़ा करने के लिए। ये बोल करके अक्रूर जी कहते हैं, अक्रूर जी का बड़ा अच्छा विचार था। अक्रूर जी ये धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, अक्रूर जी को पता था कि कृष्ण कौन है, भगवान है, तो इसलिए अब ये जो हिडन इंटेंशन है उन्होंने दिखाया नहीं। उनका दो इंटेंशन था अक्रूर जी का, वो चाहते थे कम से कम जल्दी मरे और दूसरा चीज वो चाहते थे कि भगवान का दर्शन हो जाएगा इसी बहाने कृष्ण बलराम का। कल देखेंगे अक्रूर जी कैसे जाते हैं वृंदावन में। तो इसलिए अक्रूर जी कहते अरे आप तो सही बोल रहे हैं, राजा को एकदम यही करना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन नीति शास्त्र भी कहता है राजन कि व्यक्ति को सिर्फ अपने श्रम पे भरोसा करके आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं होता है, भाग्य भी होता है। अगर भाग्य में नहीं दिखा होगा तो इसलिए कहते हैं कि जब तक पूरी इच्छा ना हो जाए तब तक व्यक्ति को ना तो अपने किसी कार्य में शोक करना चाहिए ना हर्षित होना चाहिए। और ये कह करके अक्रूर जी निकल पड़ते हैं। और एक और चीज, कंस देखिए कितना बड़ा अर्थशास्त्री था, वो दिखलाता है उंगली दिखा करके, हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो अक्रूर इस रथ पे लेकर के जाओ, बहुत सुंदर रथ है। अक्रूर जी को क्यों कह रहा है कि शायद कंस ये सोचे कि सोच रहा था कि इसी बहाने अक्रूर लालच के मारे चला जाएगा, ओ ये मेरा रथ मत लेके जाओ, स्पेशल रथ बनवाया है उसमें लेकर के जाओ और बच्चे भी आकर्षित हो जाएंगे। और अक्रूर जी ने क्यों एक्सेप्ट किया, अक्रूर जी कहते साला तुम्हारा कंस का वो लेंगे भगवान, जो भगवान लक्ष्मीपति हैं वो कंस के रथ पे बैठेंगे, अच्छा हुआ तुमने नया रथ दिया, नहीं तो मेरे को शर्म आती कि मैं भगवान को कैसे पुराने रथ में लेकर के आता। इसलिए अक्रूर जी भी खुश हो गए। तो दोनों अपना अपना इंटेंशन हाइट करके चल रहे होते हैं और अक्रूर जी भी निकलते हैं, इधर कंस निकलता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों जब अपने घर चले गए तब अगले अध्याय पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कंस ने केसी जो, अच्छा मैंने ये बतलाना भूल गया कि अरिष्टासुर क्या रिप्रेजेंट करता है। अरिष्टासुर हमारे सुख भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर चीज लिखते हैं भक्त्यालोक और कृष्ण संहिता में, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अरिष्टासुर उन भक्तों के जैसा है जो दिखाते तो हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं पर है नहीं, सो बॉटल के जैसा है। शब्द देते हैं भक्त्यालोक में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, कहते हैं कि धर्म ध्वजी करके, धर्म ध्वजी कहने का अर्थ है पाखंडी। दो टाइप के लोग होते हैं धर्म ध्वजी, एक पाखंडी होते हैं एक मूर्ख होते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य, कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि अरिष्टासुर का पहले इतिहास थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं गर्ग संहिता से। अरिष्टासुर पिछले जन्म में एक ब्राह्मण होता है और उसके गुरु बृहस्पति होते हैं। इस ब्राह्मण का नाम होता है वरतातु और ब्राह्मण होने के कारण एक बार अपने गुरु के सामने ऐसे पैर जैसे नहीं होता है बैल जैसे बैठती है, पैर ऐसे आगे दिखा करके डिसरिस्पेक्ट वे में बैठ जाता है। बृहस्पति को गुस्सा आ जाता है और कहते तुम बैल बन जाओ, बैल के जैसे बैठे हो, और इस कारण से जन्म लेता है बैल में और कुसंगति के कारण दुष्ट बैल बन जाता है। अब ये अरिष्टासुर जो कि बैल है, बैल जो होता है गाय बैल, ये धर्म के प्रतीक होते हैं, लेकिन था असुर। वैसे कुछ खास करके भक्त कई बार भक्ति तो होता नहीं है पर सो बहुत करते हैं, सो बॉटल के जैसा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे धर्म ध्वजी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो चीटर होते हैं जो गुरु बन जाते चीट करते हैं, और दूसरा मूर्ख डिसाइपल
शिष्य जो उनके शिष्य बन जाते हैं, दोनों ही मूर्ख हैं, एक ढोंगी और दूसरा चेला मूर्ख। भक्ति विनोद ठाकुर भक्त्यालोक में कहते हैं, इससे अच्छा तो किसी कर्मी के साथ जो भौतिकवादी उसके साथ रह लो, लेकिन ऐसे पाखंडी के साथ मत रहो। क्यों? क्योंकि आप भौतिकवादी के साथ रहोगे तो कम से कम आपको ये तो पता है कि मैं भौतिकवादी हूँ। ऐसे पाखंडी के रूप में जो साधु होते हैं, उनके संग करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वास्तव में पाखंड का संग कर रहे हैं। इसलिए अरिष्टासुर जैसे राक्षस को कृष्ण या कृष्ण के भक्त शिल प्रभुपाद जैसे लोग हटाते हैं। ये है अरिष्टासुर। तो बात केसी डीमन का चल रहा होता है। तो केसी, अभी ये केसी डीमन को कंस ने भेजा था, दानव असुर को, जो कि घोड़े के रूप में था। अभी नाम इसका ही है केसी, तो इसके जो बाल थे, जो उसके सिर के बाल थे, वो बादलों तक छू रहे थे। कह रहे हैं कि जब वो हिनहिनाता था एकदम अरिष्टासुर के जैसा, वो जैसे बैल आवाज निकालता है वैसे घोड़ा जो हिनहिनाता है उसका भी एकदम कर्कश आवाज। और जब भगवान ने देखा कि इतना भयानक और ये भी एकदम वैसे पैर से अपने खुरों से ऐसे डरा रहा होता है, तो भगवान ने देखा कि ये भी जो है केसी जो डीमन है, इसको देखने के बाद भगवान ने उसको भी ललकारा, आजा अभी एक को मारा हूं तेरा नंबर है। तो इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान कहते कौन ब्रज में लेकर के जाएगा, और भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि यार सब लोग फिर वाह 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 ही करेगा, इसलिए वो अकेले ही में बुलाते आ जा जा। और केसी डीमन को भी इस प्रकार से बुलाते हैं। भगवान को खड़ा देख करके केसी गुस्सा आ गया, अच्छा यही है वो, और वो भी ललकार रहा है मुझे। तो क्या करता है, मुंह फाड़ के, जैसे घोड़ा मुंह फाड़ करके दौड़ता है बहुत तेजी से, जैसे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि आकाश को निगल जाएगा, इस प्रकार से प्रचंड वेग में वो घोड़ा अपने दोनों पांव को, जैसे घोड़ा जैसे आपने देखा होगा जब उठता है तो दोनों पांव को हवा में ले लेता है, उस प्रकार से दोनों पांव को अपने हवा में उठा करके भगवान के ऊपर जोर से प्रहार करता है। भगवान बस ऐसे हट जाते हैं और वो बच जाते, निकल जाते हैं। ये देख करके केसी को और बुरा लगता है। अब वो क्या करता है, फिर से क्रोध होकर के भगवान के ऊपर कूदता है। अब भगवान ने इस बार क्या किया, वो आया, भगवान हटे, पीछे से उसका पैर पकड़ लिए और घुमा करके घुमाए, और 100 धनुष दूरी, यानी 100 धनुष रख दीजिए, इतने दूरी पे उसको उठा करके फेंक दिए। किसको, केसी को। जब केसी फिर से उठा और क्या करता है कि कृष्ण हंस रहे होते हैं, आजा फिर से आजा, और फिर केसी डीमन बहुत जोर से मुंह फाड़ करके आता है, और भगवान अपना जो हाथ होता है, कहते हैं आचार्य कि सुखदेव गोस्वामी, जो हाथ नीले कमल के जैसा भी कोमल है, वो हाथ जब भगवान उसके सीधे मुख में घुसा देते हैं, और जैसे ही मुख में घुसता है, जो केसी डीमन का जो घोड़े का दांत जो कि वज्र के समान कठोर है, वो सारे के सारे दांत टूट जाते। क्यों? क्योंकि जैसे लोहा गर्म हो जाता है, लाल लोहा छू दो तो जल देता है, जला देता है, वैसे उसको जलने लगता है, और वो निकालने का प्रयास करता है, भगवान उसी के अंदर मुख डाले होते हैं, उसका दम घुटने लगता है, छटपटा के वहीं पे गिरने लगता है, गिर करके वहीं पे मर जाता है। अब भगवान धीरे से अपना हाथ निकाल लेते हैं, और भगवान को यहाँ पे खुद सुखदेव गोस्वामी कर, भगवान कहता अरे मर गया, अरे बड़ा जल्दी मर गया, और वहां पे सब प्रशंसक होने लगते, अरे वाह कृष्णा वाह कृष्णा, कहता अरे कहाँ यार, कुछ खेलने का मौका ही नहीं दिया, बस हाथ ही अभी डाला था ही मर गया। और ऊपर से पुष्प वर्षा करने लग जाते हैं देवता, जो कि हर बार करते हैं। भगवान को बड़ा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि
भगवान जो कि गिरकर निष्प्राण हो गया, लिख रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि बिना गर्व का दिखलाए बिना, कहले का अर्थ है भगवान को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है कि अरे बस ऐसे बस मुंह डाला मर गया, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं। तब तक नारद मुनि आ जाते वहां पे और नारद मुनि भगवान को इशारा करते कि थोड़ा सा साइड में आपसे बात करना है। भगवान समझ जाते हो नारद मुनि आ गए नारद मुनि, तो भगवान भी साइड हो जाते हैं। सभी लोग जय जयकार कर रहे होते, कहते अभी देव ऋषि आए उनसे मिल के आता हूँ। नारद मुनि जैसे भगवान को क्यों साइड में लेते हैं, आचार्य हमारे कहते हैं क्योंकि भगवान को बतलाने आए कि अब आपका ब्रज का पास टाइम हो गया, अब मथुरा द्वारिका का पास टाइम देखना है। और क्यों साइड में ले लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है या गोकुलवासियों को बहुत दुख होगा क्योंकि अब भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं। तो नारद मुनि ने सबसे पहले भगवान को कहा क्या कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, दो बार प्रेम के कारण कृष्ण कृष्ण कहते हैं और कहते हैं कि अरे सभी जीवों के परमात्मा आप हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि छिपा होता है पता नहीं होता है जब तक जलाओ नहीं, वैसे जब तक जीव भक्ति में तपता नहीं है तब तक उसको समझ में नहीं आता कि हृदय में ही परमात्मा है, कृष्ण है। और आगे कहते हैं कि आप भगवान ये सारे उनका वर्णन करते हैं महाविष्णु के रूप में, आप ही ने ये तो पूरा त्रिभुवन सृष्टि की रचना की है। कहते हैं आपका प्रकट याद दिलाते कि आप किस लिए हैं, याद रखिएगा भगवान दो कार्य आपका रहता है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, आप साधुओं का उपकार करने के लिए और दुष्ट यकंस इत्यादि राजाओं का नाश करने के लिए आप प्रकट होते हैं। अब कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ अब वर्णन कर रहे हैं लीला का, जिसको अभी मैंने देखा केसी जो कि कंस का भेजा हुआ था आपको मारने के लिए आया था, जिससे कि स्वर्ग के देवता भी डर रहे थे, आपने उसको तुरंत मार दिया। और यहाँ से अब मथुरा द्वारका की सारी लीलाओं का वर्णन करेंगे, कहेंगे कि मैं ये भी देख रहा हूँ आज से आप दो दिन के बाद किस प्रकार से चाणूर और मुष्टिक को मारने वाले हैं उस रंग के अखाड़े में, आपको मैं देख रहा हूँ कुवल्य पीड़ को कैसे मार रहे हैं, कंस को कैसे मार रहे हैं, इतना ही नहीं दंत वक्र नरकासुर इत्यादियों को कैसे मार रहे हैं, आप कैसे इंद्र के फिर से घमंड को चूर करेंगे, पारिजात पुष्प जो पेड़ है वो चोरी कर लेकर के आएंगे, आपको मैं ये देख रहा हूँ कैसे आप 16,108 जो रानियों से कैसे विवाह करेंगे। कह रहे हैं मैं ये भी देख रहा हूं कि ब्राह्मण के पुत्र को कैसे आप यमपुरी से लेकर के आएंगे, इतना ही नहीं पौंडरक करके जो कहेगा कि मैं ही कृष्ण हूं उसको कैसे नष्ट करेंगे, मैं आपकी सारी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहा हूं। इतना ही नहीं मैं ये भी देख रहा हूं कि महाभारत के युद्ध में आप किस प्रकार से अर्जुन के सारथी बनेंगे। और तो और कह रहे हैं कि हे भगवान आप इतना दिव्य लीलाएं करने वाले हैं, आपके उन लीलाओं को मैं सब कुछ देख रहा हूँ, इन लीलाओं को देखने के बाद मेरा यही निर्णय, अब क्योंकि इस तथ्य भी बता रहे हैं तत्व कह रहे हैं कि वास्तव में आप ही परम पुरुष हैं, सर्वोत्तम परम पुरुष भगवान हैं। और कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ और ये बोल करके क्या होते हैं नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और भगवान फिर से अपने गोप सखाओं के साथ मिलने के बाद केसी को मारने के बाद वापस जब चल दिए तो ये केसी डीमन, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं केसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइड, कैसा प्राइड, चैतन्य शिक्षामृत में कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जब भक्त भक्ति में अच्छा करता है उसको लगने लगता है शायद मैं आचार्य हूँ, प्रभुपाद के बाद फाउंडर आचार्य मैं ही हूँ शायद, और इस कारण से वो अपने आप को आचार्य समझ करके प्राइड से कहता है कि मैं ही अगला आचार्य हूँ, मेरी पूजा करो और इस प्रकार से अहंकार के वश में होने के कारण हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तब उस समय उसके केसी डीमन को मारना चाहिए। इसलिए शिक्षा मृत में कहते हैं
कठिनाधपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भक्त को भले ही हो सकता है वो आचार्य हो भी, लेकिन फिर भी उसको कभी अहंकार के वेश में आकर के परिवेश में आकर के ये नहीं कहना चाहिए कि अगला आचार्य मैं ही हूं, क्योंकि फिर वो जो प्राइड केसी जैसे प्राइड था कि मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं, ये जब व्यक्ति सोचने लगता है भक्ति में तो उसका जो ऑब्स्टिकल है केसी डीमेंट वो आ गया है। अब कहते हैं कि एक बार फिर शायद हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं, अब जो असुर का वध करने वाले भगवान, ये बात तो मैं पहले ही कर चुके थे अपने कौमार्य लीला में, लेकिन क्योंकि असुरों का वध हुआ तो फिर से सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया, इसलिए वो कहते एकदा, एक बार की बात है, पशु चराने के लिए ग्वाल भाल के साथ जब भगवान गए थे और वहां पे गेम खेलते थे, कई बार हाइड एंड सीक एक गेम खेल रहे थे। उस गेम में क्या थे, कुछ भेड़ बने थे ग्वाल बाल, कोई पुलिस वाला बना था और कोई चोर बना था। तो यहाँ पे एक असुर आता है जिसका नाम होता है माया दानों का पुत्र होता है व्योमासुर। व्योमासुर एक ग्वाल बाल का रूप लेकर के वहां पे प्रकट हो जाता है और आ करके उनके खेल में घुस जाता है और कहता है मैं चोर बनूंगा। और जो भेड़ बने होते हैं एक एक भेड़ को उठा उठा करके, जो ग्वाल बाल बने होते हैं उनको ले जा करके एक गुफा में डाल देता है। अभी धीरे धीरे ग्वाल बाल की संख्या कम होने लग गई, भगवान कह रहे हैं बड़ा ग्वाल बाल कम होते जा रहे हैं, और चार या पांच, या जीव गोस्वामी कहते हैं 54, कुछ भी 4, 5 या 54 पोएटिक है, मतलब कि काव्य है इसलिए। तो अगर इतने जब ग्वाल बाल बजने थे तो भगवान को लगता है आए तो बहुत थे, गायब कहाँ हो रहे सब के सब। तब भगवान एक ग्वाल बाल को देखते कहते ओ हो, अब समझ में आया। और व्योमासुर भी समझ गया, वो भगवान को देख लेता है। भगवान ने जैसे सिंह भेड़िया को पकड़ लेता है वैसे भगवान ने व्योमासुर को पकड़ लिया और पकड़ करके दबोच लिया। भगवान क्योंकि पुलिस वाले बने थे ना, भगवान भी खेल खेल में गए और थीप बन करके जैसे भाग रहा था तो पकड़ लिया, अरे मैंने पकड़ लिया। और भगवान ने पकड़ा था एकदम ग्वाल बाल के जैसा नहीं, ग्वाल बाल तो हंस रहे होते अरे पकड़ा गया, और भगवान तो इतना कस के पकड़े थे कि उसका प्राण निकल रहा होता। उसको भी अब समझ में आ गया कि ये खेल वाला नहीं पकड़े हैं, और वो अपने रूप में आने लग गया, बहुत भयावनक रूप करने लग गया पड़ा, लेकिन भगवान के छूट नहीं रहा था, दबोच लिया था भगवान ने। और इस प्रकार से बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो छूट नहीं पाया, पूरी शक्ति, पूरा क्या बोलते हैं, जैसे एक पशु का जैसे बलि में वध करते हैं गला घोट करके मारते हैं, वैसे भगवान ने बस पकड़ा हुआ था, अरे पकड़ा गया, और ऐसे ही दबा रहे थे उसके गर्दन को, गला घोट रहे थे, उसका गला दब रहा होता है, और बाकी सब ग्वाल बाल कहते अरे वाह 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 पकड़ा गया, और भगवान गला दबा करके वहीं पे मार देते हैं, छटपटाता है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि इस तरीके से मारा जैसे कि जकड़ करके तड़प, मतलब कि थोड़ा सा दुख कष्ट हो करके वो मर गया। और फिर भगवान ने देखा कि जहाँ पे ये ग्वाल बालों को छिपा करके रखा था व्योमासुर ने वो गुफा के अंदर, वो पहाड़ पर्वत को हटाया, फिर ग्वाल बालों को निकाला और सभी ग्वाल बाल फिर खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से देवताओं तथा ग्वाल बालों द्वारा यश गान करने के बाद भगवान वृंदावन लौट गए। अभी यहाँ पे व्योमासुर के बारे में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्योमासुर है ये रिप्रेजेंट करता है चोरी और झूठ को,
थेफ्ट एंड लाइफ, कि भक्ति में हम जब झूठ और चोरी करते हैं, कैसा होता है झूठ हम चोरी या कैसा बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कि जैसे ये चोरी कर रहा होता है झूठ बोल बोल करके बच्चों को ग्वाल बाल को लेकर के जाता है, जब हमारे हृदय में भी ये चोरी की भावना होती है, किसी प्रकार की भी चोरी करना, पैसे की चोरी करना या किसी चीज की चोरी करना या झूठ बोलना, भक्ति में झूठ बोलना, आठवें स्कंद में भी हमने देखा था बलि महाराज के प्रसंग में, बलि महाराज स्वयं कहते हैं कि ये धरती सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन एक झूठे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे जो झूठ बोलता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये 14वां जो ऑब्स्टिकल्स है भक्ति में व्योमासुर, जैसे ग्वाल बाल चले गए भगवान से अलग हो गए गुफे में छिप गए गुफे में छिपा दिया, वैसे कृष्ण भी हमसे नहीं मिलेंगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा अगर व्यक्ति के अंदर कूटनीति और झूठ और ये चोरी ये इत्यादि ये सब चीज रहेगा। इसलिए व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो झूठ और चोरी करता है बोलता है तो गैम्बलिंग, इसीलिए प्रभुपाद जी ने वो जो चार पिलर है अधर्म के, गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, हम सोचते हैं अरे हम तो जुआ नहीं खेल रहे हैं तो हम कहाँ गैम्बलिंग कर रहे हैं, नहीं, अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं, असत्य का साथ दे रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, तो वास्तव में हम व्योमासुर अभी भी है हमारे अंदर, और फिर जब व्योमासुर जैसा रहेगा तो हम कृष्ण के से दूर हो जाएंगे। इसलिए व्योमासुर हो या केसी असुर हो या अरिष्टासुर हो, इन सारे असुर जो कि पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं इसलिए कृष्ण इनका वध करते हैं, बहुत आसानी से मार देते हैं, जब हम कोई शुद्ध कृष्ण के भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की वाणी को जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे इनसे बचना है। और विशेषकर तो आज राधा कुंड का जो प्राकट हुआ, हमारे आचार्य कहते हैं कि जो महाप्रभु थे चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण स्वयं थे जिन्होंने ये प्रकट किया, वो महाप्रभु कहते हैं कि तबे चली अइला प्रभु सुमन सरोवर तहान गोवर्धन देखी हैला विवल कुंडेरा मृति काला यतिलक करिला भट्टाचार्य द्वारा मिट्टी का संगे करी लैला। अरे जिस राधा कुंड के मिट्टी का महाप्रभु तिलक करते हैं और कहते हैं कि इसमें एक बार स्नान कर लेने से राधा के जैसा प्रेम मिल जाता है, ऐसा राधा कुंड जो तट है, इसीलिए हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए हैं विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा कुंड स्वयं राधा रानी है, इसलिए प्रभुपाद जी ने मना किया था राधा कुंड में स्नान करने का, क्यों, क्योंकि लोग वहां पे जा के फॉरेनर बिकनी और उसमें स्विमिंग स्पोर्ट करने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ये स्वयं राधिका है, ये राधा रानी है, तो ऐसा राधा कुंड श्याम कुंड, राधा रानी कहती हैं, कृष्ण कहते हैं जो भी राधा कुंड जो कि मुझे राधिके तुम्हारे जैसा वो प्रिय है, उसमें उसका जो भी एक बार गुणगान करता है सुनता भी है उस राधा कुंड की महिमा को, राधा कुंड के बारे में, वो स्वयं श्रीमती राधिका के गुणगान के जैसा है। इसलिए ऐसे ब्रजेश्वरी जो कि जिनको कृष्ण राधा कृष्ण कटाक्ष लीला कृपा कटाक्ष स्तोत्र में भी स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे ब्रजेश्वरी हे राधिके आपके चरणों को प्रणाम। तो आज यहीं पे रुकेंगे।
और कल एक और गीत देखेंगे, अक्रूर जी जब कैसे भागवत में वृंदावन में जब प्रवेश कर रहे हैं, वो अक्रूर जी एक विशेष आचार्य हैं, किस चीज के वो हम कल देखेंगे।